Congress President, who is on a two-day visit to her parliamentary constituency, Rae Bareli, today met party workers and people of her constituency at Bhuvemau Guest House in Rae Bareli district of Uttar Pradesh. This was the second visit of Sonia to Rae Bareli after being elected to the Lok Sabha in May this year. During the meeting, Sonia was apprised of the problems and pending issues. The Congress President also sought their feedback on everyday problems. Speaking to the media after the meeting, Mohit Mishra, a Congress member, said that the main problem of their area is lack of employment for the youth. मुख्य मुद्दे थे नौजवानों के रोजगार को लेकर थे क्योंकि यहां पे शिक्षक शिक्षण संस्थाएं काफी खुल गई हैं हमारे छात्र छात्राएं यहीं पे पढ़ते हैं शिक्षण ग्रहण कर लेते हैं परंतु रोजगार के कोई सही यहां पे उपलब्ध न होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाता जिससे वो अपराध का और नशे का सहारा लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं हम सोनिया गांधी जी से मिलने आए थे हम लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक सरीनी विधानसभा के बीच में करने के लिए किया है क्योंकि छात्र छात्राओं को 40 से 45 किलोमीटर आने में बड़ी दिक्कत होती है और गरीब छात्रों को तो आवास की भी दिक्कत होती है क्योंकि रह नहीं सकते इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं होता है इस वजह से वहाँ पर अगर पॉलिटेक्निक आईटीआई हो जाएगा तो उन लोगों की काफ़ी समस्या उनका हल हो जाएगा मैंने जो भी मुद्दे लिए हैं वो पेयजल समस्या बिजली समस्या उसके साथ में हमारे क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था बहुत गड़बड़ है हम लोग 8 किलोमीटर दूरी जाते हैं हमारे गांव की महिलाएं जाती जो कि मनरेगा जैसे भुगतान के लिए भटकती रहती है कहे बोले कनेक्टिविटी नहीं है ये थी NNIS द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट